आज हर हिंदी में अ विसर्ग अह की मात्रा पढ़ेंगे। चित्र देखकर पढ़ो। आज हम पढ़ेंगे अ विसर्ग अह की मात्रा। चित्र में देखिए, चित्र देखकर पढ़ो। नौ जोर म जोर विसर्ग नम, छ प्लस विसर्ग छ। बोलकर पढ़ो, देखिए क्या है। दोहसुका विसर्ग ख दुख, भसुका व विसर्ग भुआ, तो प विसर्ग तप, पौसुका नौ विसर्ग पुनः, अ तो विसर्ग अतः, पर संयुग आकर तो विसर्ग प्रातः, पर संयुग आकर यो विसर्ग प्राय, स्व संयुग तो विसर्ग स्वतः, व स्वत संयुग हर्षकार तो विसर्ग वस्तुतः, ओ अनुस्वार तो विसर्ग अंत, क रौनोकरण अंतःकरण। बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आसानी होगा। फलो फल तो विसर्ग तह फल तह, नौस्का नी नौस्का नी विसर्ग नी, सो अनुस्वार दो एकार हो नी संदेह, ओ अनुस्वार तो विसर्ग अंत, पर्षकार पूर्ण अंत पूर्ण, परिनाम तह पर रोहर्षकारी नो आकर मो तो विसर्ग, परिनाम तह पर रोहर्षकारी परि नो आकर मो नाम तो विसर्ग तह परिनाम तह, सो नयकार नय विसर्ग सने, सो नयकार नो विसर्ग सने। इस तरह आप लोग बोल के पढ़ेंगे और शुद्ध शुद्ध उच्चारण देकर पढ़ेंगे। नीचे देखिए लिखने के लिए कह रहा है, इसको आप लिखेंगे स्वयं, ये लिखेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रातः काल का सूरज चमका, घड़ी ने छह बजाए, स्वतः उठ जाओ भाई दुख सभी कट जाएं। ये आपको लिखना है। नीचे देखिए अभ्यास है, निम्नलिखित शब्दों को जोड़ कर लिखो, जोड़ करके लिखना और घर में प्रैक्टिस करना है इसको अभ्यास को। नौ प्लस मो प्लस विसर्ग नम, तो प्लस आकर प्लस चांद बिंदु गो, क्या होगा टांग, तो आकर चांद बिंदु गो टांग। इसी तरह आप स्वयं बनाएंगे, क्वाकर चांद बिंदु चौ पाँच, चौकर चांद बिंदु दो चांद, लोअनस्वा गो दुहकारो लंगूर, ओअनस्वा गो दुहकारो अंगूर। अब चित्र देखकर चित्र का नाम लिखकर वाक पूरा करें। डैश का रंग उजला है, क्या हो गई बत्तख है, तो बत्तख लिखेंगे। बत्तख का बत्तख बहुत तो संजुक खो या बहुत तो खो भी लिख सकते हैं बत्तख। बत्तख का रंग उजला है। फिर दूसरा देखिए डैश, तिरंगा हमारे देश का, तिरंगा हमारे देश का क्या है, देश का रंग उजला है। तिरंगा हमारे देश का पहचान है, झंडा है। तिरंगा हमारे देश का क्या होगा, झंडा है। डैश मोहन बजाता है, मोहन क्या होगा बांसुरी बजाता है। ऊँट बहुत ऊंचा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। वन में क्या होगा बतख का रंग उजला है, दूसरा क्या होगा तिरंगा हमारे देश का झंडा है, और तीसरा क्या होगा मोहन बांसुरी बजाता है, पाँच चौथा क्या होगा ऊँट बहुत ऊंचा है। ये स्वयं आप लोग कॉपी में भरेंगे। अब देखिए चित्र पहचान का सही मिलान करो। ये क्या है पंख है, देखिए पंख मिलाया गया है। फिर देखिए ये क्या है लड़की है। फिर देखिए चित्र पहचान कर रहा बंदर नहीं है, बूंद नहीं है, पंख नहीं, बूंद तो है यहाँ, बूंद कहाँ है देखिए इसको मिलाइए, बूंद को इसमें आ गया। दुख बंदर यहाँ है, बंदर देखिए यहाँ है बंदर। कुआँ कहाँ है तो कुआँ यहाँ मिलाइए। प्रातः यहाँ हो गया आपका, और क्या बचा है पंख कुआँ प्रातः, ये दुख हो जाएगा इसका, दुख हो गया सब। इस तरह आपको मिलाना है। आगे देखिए क्या है, बस आज इतना ही, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।